स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर अपने इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं और आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। तो हमारा जो चल रहा है रेगुलर टॉपिक रीऑर्डरिंग, उससे संबंधित रूल्स एग्जाम्पल्स के माध्यम से सेंटेंसेस आपको समझाया जा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से रीऑर्डरिंग करना होता है। और रीऑर्डरिंग चैप्टर में हमें सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट की अच्छी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। और आज हम अपने इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें, यहां पे हम लिख रहे हैं हेडिंग देयर कैन बी फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देयर कैन बी फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स प्रेडिकेट के निम्न पार्ट्स हो सकते हैं, नंबर एक हेल्पिंग वर्ब, नंबर दो मेन वर्ब, नंबर तीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर चार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर पांच आपका कॉम्प्लीमेंट, और नंबर छः में आपका एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। एडवर्बियल फ्रेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे जस्ट आपके सामने लिखा हुआ है देयर कैन बी फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के निम्न पार्ट हो सकते हैं, और वो जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। वो पार्ट्स हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल फ्रेज। तो ये आपके प्रेडिकेट के पार्ट्स हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट में ये सारे पार्ट्स एक ही सेंटेंस में आपको मिल जाए। कुछ पार्ट्स आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं और हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको सेंटेंस में ना मिले, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाएंगे जिनमें ये सारे पार्ट्स शामिल होंगे, अर्थात ये सारे पार्ट्स जो हैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल के माध्यम से दर्शाए जाएंगे कि कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। इससे पहले आप लोग हमारी एक बात समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, तो सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग में लाई जाने वाली क्रिया, और मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग में आकर वो सेंटेंस के सेंस को पूरा करती है। दूसरी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया क्या होती है ये आप लोग जानते हैं। वर्ब की डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो वर्ब की डिफिनेशन होती है ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इवेंट आर स्टेट, अर्थात एक क्रिया वह शब्द होती है जो कार्य करने की स्थिति को बताती है, अर्थात कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो मेन वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग जानते हैं। उसके बाद जो तीसरा बचा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस में
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो यदि हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, बाय क्वेश्चनिंग व्हाट वी कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का प्रयोग करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं सेंटेंस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए किसे और कौन का, अर्थात हुज एंड हु का प्रयोग करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। और जो पांचवा आपका है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक शब्द, और पूरक शब्द वे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और छठा आपका है एडवर्बियल फ्रेज, और प्रेडिकेट के पास में आपका एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हो सकता है। एडवर्बियल फ्रेज माने एडवर्ब से बनी हुई फ्रेज, और चूंकि फ्रेज माने आप लोग जानते हैं फ्रेज माने होता है कि कोई शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो लेकिन कंप्लीट अर्थ ना हो फ्रेज कहलाती है। तो ये इन पार्ट्स आपके प्रेडिकेट के भाग में हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल फ्रेज। एक बात आपको और बता दें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सदैव नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में होते हैं अर्थात निर्जीव होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स के रूप में आपके सामने होता है। तो स्टूडेंट्स आशा है कि हम ये टॉपिक आपको समझा रहे हैं, जो प्रेडिकेट के पार्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार अपनी बात को हम फिर रिपीट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने अप्रत्यक्ष कर्म, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक शब्द, और एडवर्बियल फ्रेज माने एडवर्ब से बनी हुई फ्रेज। तो अब आप लोग सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि हम किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें सेंटेंसेस के माध्यम से आपको क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। और अब आप देखें कि बोर्ड पे आपके सामने हमें एक एग्जाम्पल लिखाए हैं, लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर एक, सेंटेंस लिखा है रमेश रमेश हैज बीन रमेश हैज बीन लैंडिंग मी रमेश हैज बीन लैंडिंग मी हेज हिंदी बुक रमेश हैज बीन लैंडिंग मी हिज हिंदी बुक फॉर टू डेज। यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, रमेश हैज बीन लैंडिंग मी हिज हिंदी बुक फॉर टू डेज। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और यदि हम इसका क्लासिफिकेशन करें यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांटें तो रमेश आपका सब्जेक्ट है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हैज बीन से लेके फॉर टू डेज तक ये आपका प्रेडिकेट है। तो यहां पे अब आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है अर्थात वर्गीकरण करना है। तो इसका वर्गीकरण कैसे होगा ये आप देख लें, यहाँ पे सबसे पहले जान लें कि हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लैंडिंग आपकी मेन वर्ब है,
मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज हिंदी बुक, ये इतना पार्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फॉर टुडे ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पे देखें कि जो सेंटेंस हमने लिखा है उसमें रमेश तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो रमेश से हमें यहाँ पर कोई मतलब इस समय नहीं है क्योंकि हम प्रेडिकेट के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हैड बीन मेन वर्ब के पहले प्रयोग की गई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है अर्थात सहायक क्रिया कौन सी होती है, वो क्रिया जो मेन वर्ब के पहले प्रयोग की जाए हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लैंडिंग हमारी मेन वर्ब है, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने आपको समझाया था कि जो अप्रत्यक्ष करता होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है यानी लिविंग होता है। उसके बाद ही हिंदी बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पार्ट टू डेज कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट टू डेज शब्द के सेंस को पूरा करना है, इसलिए ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसके माने होता है पूरक शब्द। तो आशा है कि आप लोग यहाँ पे जो प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसे समझ पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसके बाद एक और उदाहरण जिसमें आप प्रेडिकेट के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, राघव इज राघव इज टीजिंग मी वेद राघव इज टीजिंग मी यहां पे विद का प्रयोग ना करें आप, राघव इज टीजिंग मी ऑन द रूफ। राघव इज टीजिंग मी ऑन द रूफ एट दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स एक दूसरा उदाहरण हमने आपके सामने लिखा हुआ है, राघव इज टीजिंग मी ऑन द रूफ एट दिस टाइम। तो जब इसका हम इस सेंटेंस का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो राघव हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर राघव से हमें मतलब नहीं है। अब इज टीजिंग मी ऑन द रूफ एट दिस टाइम, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट बचा हुआ है, और जब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इज आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो टीजिंग आपकी हो जाएगी मेन वर्ब। हमने आपको समझाया था कि मी हर हेम देम अस अवर, यदि इस प्रकार के कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग में आते हैं तो वो आपके होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑन द रूफ एडवर्बियल फ्रेज है, यहाँ पे एडवर्ब से बनी हुई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से। तो ऑन द रूफ आपका ये एडवर्बियल फ्रेज है, और जो एट दिस टाइम यहाँ पे बचा है ये आपका है कॉम्प्लीमेंट, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस जो एग्जाम्पल नंबर 2 के रूप में हमने लिखा उसमें भी आपने समझा कि प्रेडिकेट के क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके लिखाया गया है, और कॉम्प्लीमेंट है। एक बात और आप जान लें, जो एडजेक्टिवल फ्रेज होती है उस
उसका प्रयोग अधिकांश मोस्टली सब्जेक्ट के पार्ट में किया जाता है और एडवर्बियल फ्रेज का यूज मोस्टली प्रेडिकेट के पार्ट में किया जाता है। अब एक ऐसा उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कोशिश करेंगे इस प्रेडिकेट के सारे पार्ट आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे। और एक बात इसके अतिरिक्त कि जो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के हम पार्ट का क्लासिफिकेशन इस समय सीख रहे हैं वो टॉपिक आपके रिगार्डिंग चैप्टर में आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे। आप लोग उसमें भी पढ़ने की कोशिश करें और यहाँ बोर्ड पे समझाया जाए टॉपिक्स और जब आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि भी कोई समस्या रहती है तो उसको आपको विद्यालय में जब आप लोग आएंगे तो सॉल्व किया जाएगा या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखें। आप एग्जाम्पल नंबर 3 एक सेंटेंस लिख रहे हैं ए नाटी बॉय ए नाटी बॉय ए नाटी बॉय है प्लग एनाटी बॉय है प्लग द फ्लावर्स फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन गार्डन यस्टरडे इवनिंग। यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखें जो सामने लिखा हुआ है ए नाटी बॉय हैड प्लग नाटी बॉय माने एक शरारती लड़के ने हैड प्लग माने तोड़ लिए हैं द फ्लावर्स माने फूल ऑफ माई गार्डन माने मेरे बगीचे के यस्टरडे इवनिंग माने कल शाम को। तो जब इस सेंटेंस को हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में अगर बांटें तो ए नाटी बॉय आपका सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से हैड से लगाकर इवनिंग तक ये पार्ट आपका प्रेडिकेट है ये पार्ट आपका प्रेडिकेट है। और जब इसमें हम प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हैड आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लग आपकी हो जाएगी मेन वर्ब द फ्लावर्स आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आप माई गार्डन आपका है कॉम्प्लीमेंट और यस्टरडे इवनिंग ये आपका एडवर्बियल फ्रेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को सेंटेंस के पार्ट्स को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में चेंज करते हैं और उसके बाद हम किस प्रकार से प्रेडिकेट के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है प्लग आपका मेन वर्ब हो गया है द फ्लावर्स क्योंकि फ्लावर्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आप माई गार्डन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है यस्टरडे इवनिंग ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि यस्टरडे माने होता है कल और ये कल दर्शाता है एडवर्ब ऑफ टाइम को साथ में इवनिंग लिखा हुआ है तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो आशा है कि आप लोग समझाए जा रहे टॉपिक्स को अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे और अब आपके सामने एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर अब आप देखेंगे 4
अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर फोर, यहां से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर फोर आपके सामने लिखा हुआ है। ए टॉल मैन, ए टॉल मैन, ए टॉल मैन इज कॉलिंग मी, ए टॉल मैन इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, ए टॉल मैन इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन एट माई गेट, एट माई गेट। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फोर में आप लोग देखें लिखा हुआ है ए टॉल मैन इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन एट माई गेट। तो यदि आपसे कहा जाए कि सेंटेंस आप क्लासिफिकेशन करें तो ए टॉल मैन इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट है और इज से लगाकर ये एट माई गेट तक आपका प्रेडिकेट है। ये तो हो गया सेंटेंस का क्लासिफिकेशन। और अब यदि आपसे कहा जाए कि सब्जेक्ट के पार्ट को यानी सब्जेक्ट के पार्ट का आप क्लासिफिकेशन करिए तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? आपको समझाया गया था ए आपका डिटरमिनर है, ए आपका डिटरमिनर है, टॉल आपका है यहां पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, और मैन, मैन यहां पे आपका नाउन है यानी हेडवर्ड है, इसी को हम हेडवर्ड कहते हैं। और अब ये सब्जेक्ट का हमारा क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट के पार्ट का क्लासिफिकेशन हुआ है और अब हम प्रेडिकेट के पार्ट का क्लासिफिकेशन करें तो ए हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग आपकी मेन वर्ब है, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन एंड अगेन ये आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, और एट माई गेट एडवर्ब ऑफ प्लेस को सूचित करता है तो ये एट माई गेट यहाँ पे आपका एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स अब इस सेंटेंस में क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के निम्न पार्ट हो सकते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रेडिकेट के निम्न पार्ट हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल फ्रेज। और ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि हर एक सेंटेंस में सारे पार्ट दिए हों, कुछ सेंटेंस में कुछ पार्ट हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस में कुछ पार्ट हो सकते हैं। और इसके बाद आपको एक उदाहरण और इसे संबंधित दिखाया बोर्ड पर लिख के, जैसे लिखा हुआ है माई, माई ओल्ड ग्रैंड फादर, माई ओल्ड ग्रैंड फादर सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, माई ओल्ड ग्रैंड फादर सिटिंग ऑन द चेयर इज रीडिंग रामायण, रामायण इज रीडिंग रामायण वेरी वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। अब आप देखें आप स्टूडेंट कि इस सेंटेंस में जब हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे तो माई ओल्ड ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन द चेयर इतना पार्ट आपका है सब्जेक्ट, इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट है, और ए जब रीडिंग रामायण वेरी सीरियसली ये आपका है प्रेडिकेट।
ये आपका है प्रेडिकेट। और अब आप यहाँ पे देखें कि जब सब्जेक्ट के पार्ट का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो माई आपको क्या हो जाएगा, माई आपको हो जाएगा डिटरमिनेंट, ओल्ड आपको हो जाएगा एडजेक्टिव, ग्रैंडफादर आपको हो जाएगा हेडवर्ड यानी नाउन, और सिटिंग ऑन द चेयर ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज वो होता है जो एडजेक्टिव से बना हुआ हो। विशेषता उनकी ये है कि वो पुरुष पे बैठे हुए हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इतने तो पार्ट हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हैं। और अब जब प्रेडिकेट के पार्ट का क्लासिफिकेशन किया जाएगा, एज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, रामायण एक पुस्तक का नाम है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वेरी सीरियसली ये आपका कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट। और इस तरह से हम सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट सकते हैं, तथा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट का क्लासिफिकेशन भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि सब्जेक्ट में निम्न पार्ट हो सकते हैं, और वो पार्ट हो सकते हैं आपका डिटरमिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपके सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं, और प्रेडिकेट में आपके पार्ट हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल फ्रेज। और आशा है कि आप लोगों ने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक्स हमने आपको समझाए हैं, समझाने की कोशिश की है, उन्हें आपने अच्छे से समझा होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि कल जो टॉपिक आपको समझाया गया था उसमें हमें लगा कि कुछ क्वालिफायर के बारे में बच्चे कंफ्यूज हैं, अर्थात क्वालिफायर को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर लिख के समझाएंगे और उससे कतई क्लियर हो जाएगा कि क्वालिफिकेशन का क्लासिफिकेशन या क्वालिफायर को हमें किस प्रकार से पहचानना होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 सेंटेंस लिखा हुआ है, ए ए मैन इज, ए मैन इज प्लेइंग चेस इन द गार्डन, a man is playing chess in the garden। तो a man हमारा सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बात की जाए तो ये हमारा a man पूरा क्वालिफायर है, a man पूरा आपका क्वालिफायर है। और क्वालिफायर में भी इसमें दो पार्ट हो रहे हैं, इस क्वालिफायर में आपके दो पार्ट हो रहे हैं। पहला आपका जो a है वो आपका डिटरमिनर है, डिटरमिनर है, और जो मैन है, जो मैन है वो आपका हेडवर्ड है, अर्थात ए मैन पूरा क्वालिफायर है और ए आपका डिटरमिनर है, और इसका अलग क्लासिफिकेशन करें, और मैन आपका हेडवर्ड है। और यदि सेंटेंस में डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है और उसके बाद हेडवर्ड का प्रयोग होता है तो ए एंड द माई सम क्यू ये आपके डिटरमिनर हो जाते हैं। एडजेक्टिव जो होता है उसे हम एडजेक्टिव में लिखते हैं और नाउन को हेडवर्ड माना जाएगा। और जैसे जो दो शब्द प्रयोग हैं सेंटेंस में शुरुआत में, ए मैन या सम बॉय या फ्यू स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वर्ड्स हैं, तो जो दो शब्द होंगे शुरुआत के तो वो दोनों शब्द आपके क्वालिफायर होंगे, और उनमें पहला आपका हो जाएगा डिटरमिनर और दूसरा आपका हो जाएगा हेडवर्ड। तो आशा है कि आप लोग इस बात को अच्छे समझ पाए होंगे, और यदि कोई समस्या इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे
सॉल्व नहीं होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, या कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आपको नहीं मिल पाया या नहीं मिल पाता है तो अपनी समस्या को आप नोटबुक में नोट कर लें और स्कूल खुलने की स्थिति में आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। आपको कल होमवर्क दिया गया था एक्सरसाइज 1-2 रिआर्डरिंग के चैप्टर में, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं होमवर्क आपको करना है, होमवर्क आपको करना है, चैप्टर आपका है रिआर्डरिंग, चैप्टर आपका चल रहा है रिआर्डरिंग और दो एक्सरसाइजें आप कर चुके हैं और अब आपको करनी है एक्सरसाइज थ्री एक्सरसाइज फोर। तो एक्सरसाइज रिआर्डरिंग में आप एक्सरसाइज थ्री और एक्सरसाइज फोर करें, उसके अतिरिक्त आप टेंसेस का रिवीजन करते रहें और इससे पहले जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया गया है उसका भी रिवीजन करते रहें, होमवर्क वन बाय वन करते रहें और स्कूल खुलने की स्थिति में आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।